अरे आप अन्ना भाई वो पुराने विलन जैसे हो। अरे वो अपना, अरे वो कौन है ना, अरे मींस के, अरे वो फिल्म में मुगैम्बो थे ना, वो महान कलाकार, क्या नाम था उसका, हाँ अमरीश सब्जी, अमरीश पूरी। हाँ भैया सेम, अबे पूरी हो या सब्जी दोनों खाने एक ही चीज है ना। आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो ना भाई। ये सही समझी, ये जो बना थी नी मींस के बनी था ना मींस के, अरे ये क्या नाम इसका अपना, ये अपना तो नाम मत बोला मुझे याद है तेरा नाम, ओ भंगार नहीं नहीं अपना खुददार नहीं, हाँ गद्दार, मंदार मंदार उन्मिला बहिर, हाँ भाई हाँ सेम अवे, दोनों में दार तो आता है ना, आप भी क्या बाल की खाल निकालने बैठ जाते हो। अमोल 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 बाड़ा तू क्या क्या बनेगा, हाँ मैं दिखाता हूँ, हाँ दिखा दिखा दिखा, हाँ हारा हुआ बाप, हाँ ये नहीं डायलॉग भी है, देखो मंडिया मुझे माफ कर देना, अगले जन्म में ना मैं तेरा बेटा बन के आऊंगा और तेरे लिए जरूर कुछ करके दिखाऊंगा, तू मुझे तेरा बेटा बन के आने देगा ना। ए अमोल बाड़ा ऐसा तू रुलाएगा क्या, हाँ मंच पे जनता को, नहीं नहीं ऐसा ऐसा नहीं बोलना है, हाँ बेटा तू तुझे कैसे सूझा ये। केशव दादा, केशव दादा ने मुझे लिख के दिया था अभी। केशव नालायक, कुछ हंसाने वाला सिखाने की बजाय तो तूने रुलाने वाला हो। अन्ना अन्ना ये क्या बोला, मैं हरा हुआ बाप बनने वाला हूँ, तो ये अपने घर के गीतकार प्रभाकर दादा उन्होंने ये सब लाइन लिख के दी, हाँ उनसे पूछ लीजिए एक। अरे प्रभाकर दादा है ना, हाँ देखा तू है ना सचमुच ऐसा चुड़ैल राक्षस है। चुड़ैल बड़ा भाई हो करके भी छोटे भाई के लिए हास्य सभर वेशभूषा में ऐसी रुलाने वाली लाइनें लिखता है, गधड़िया पुत्रिया। अच्छा अभी सुनो, मेरे पास एक आइडिया है अमोल को जिताने के, पहले मैं अपना वेशभूषा पहन के आता हूँ, बाद में मैं बताता हूँ अमोल क्या बनेगा करके, चल। मैं भी अपनी वेशभूषा डाल देता हूं, मैं हूं हवा हवाई, किसी ने मुझे इंग्लिश नहीं सिखाई, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ ताकि मैं इंग्लिश डांस करके आप सबका मनोरंजन कर सकूं। आई कैन स्टार्ट एक्टिंग, मे आई स्टार्ट एक्टिंग बोलो शशि, यस 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 यस, मे आई स्टार्ट एक्टिंग, अहो अरे देवा अरे केशव तू भी, अरे अन्ना आप भी, अरे वाह दोनों बाबू राव, दोनों ऊपर है चावल, दोनों मस्त हार जाओगे। ए मैं क्या हारने बिरने वाला नहीं हूँ, हाँ और ये केशव से तो बेहतर ही करूंगा मैं, अभी करके दिखाओ क्या बाबूराव का अभिनय, हाँ देखा। अरे देवा तुझे कितनी बार बोला है दरवाजा पकड़ के बैठने का,
जब विसंडस में बैठा होगा तो दरवाजे पकड़ के बैठने का, या तो फिर जोर जोर से गाना गाने का। और अगर वो भी नहीं जमता है तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे जाने का, लोटा लेके संडस करने को। अरे देवा बस। अच्छा किया। हाँ बस बस। किशु दादा अभी आप करके दिखाइए। हिम्मत है तो करके दिखा मेरे जितना। अच्छा छोड़ अमोल, जाने दे, मैं कुछ और बन जाता हूँ, पागल भिखारी ऐसा कुछ। अन्ना आप ये भेज डाल के जीत जाइए। अरे केशव बड़ा ऐसे मायूस मत हो जा। देख अगर मैं जीतूंगा ना तो मैं अपना इनाम वैसे भी अमोल को देने वाला हूँ। मुझे बस तो वो इनाम मैं बंडे और मेनके को दे दूंगा तो चलेगा। मैंने अपने बच्चे के लिए किया ताकि वो उसके बच्चे के लिए कर पाए। मेरा बच्चा मैं, तो ये तो चलेगा। सही सही हुआ ना? सही हुआ, बिल्कुल सही हुआ ना, बिल्कुल सही हुआ। वैसे भी मैं तो आपका अनचाहा बेटा हूँ, सच बोलता हूँ, इसीलिए सब लोग नफरत करते हैं, किसी को अच्छा नहीं लगता मैं। अच्छा, मेरी बेटी उज्ज्वला, जैसे वो मुझसे नफरत करती है वैसे आप भी। अरे रे बाड़ा, ये केशव, माँ बाप अपने बच्चे से कभी नफरत नहीं कर सकते। ये बात सच है कि मैं कभी कभार तुझे गाली भी ले देता हूँ, कभी मारता भी हूँ टंग। ऐसे देख, तू बच्चा है मेरा, बदमाश है, नटखट है, कैसा भी है तू मेरा बच्चा ना। तो साबित भी कीजिए ना अन्ना, कभी मेरे लिए भी त्याग दीजिए। वो ना मैंने हो बाबूराव का सब तैयारी भी वो देवा। अच्छा ठीक है बाड़ा, तू बन जा बाबूराव। हाँ लेकिन अगर इनाम जीतेगा ना तो अमोल को दे देना। हाँ मुझे ठीक है अन्ना, ठीक है। अब आप इतना जोर दे रहे हैं, इतनी जिद कर रहे हैं, तो मैं बन जाता हूँ बाबूराव, बस जैसी आपकी आज्ञा। धन्यवाद। जय, आप ये भेष बदल डालिए, मैं जिता देता हूँ अमोल को। हाँ मुझे, आप इतनी जिद कर रहे हैं तो। मैंने जिद की। अरे देवा, तो अगला प्रतिस्पर्धी है जहरीली बहू नागमती चुड़ैल तारा। संवेदना बिन, इसको बोलिए खुद नहीं हंसने का है, लोगों को हंसाने का है, उसको बोलिए ना। वो उसका अभिनय है। अच्छा, हर सीरियल पे मेरा राज, हर परिवार की मैं बहू हूँ, मेरे अत्याचार से रोते सभी जोर जोर से। आजकल लड़की देखने जाते हैं तो वो कितना पढ़ी है ये पूछते नहीं, चेहरे की जगह पांव देखते हैं, पांव कहीं वो सीधे की जगह उल्टे तो नहीं। अरे ये फिर से खुद ही हंस रही है पटना बेन, मैं क्या करूं, ये कोई नहीं हंस रहा है। तबला तो हंसो हंसो, सब ताली वाली तो बजाओ। वाह वाह मस्त, तो एकदम तबला तोड़ किया आपने। इन्होंने क्या नाम है आपका, ये मुझे मुझे याद है, अपनी ये मुल्तानी मिट्टी बेन निर्मिति निर्मिति। हाँ भैया सेम, अवे मुल्तानी मिट्टी हो के निर्मिति हो, दोनों में लास्ट में मिट्टी आता है ना, वैसे भी हम लोग तो मिट्टी के ही बने हैं ना सनसना में, क्या बोलते हो। तो फिर तू भी क्या बाल की खाल निकलने बैठ जाती है। देखा ऐसे हंसाते है लोगों को, ऐसे नहीं हंसाते। चलो अभी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अनाउंस कर वेम। तो अगला पार्टिसिपेंट है मुन्ना भाई। Thank you.
अपुने मुन्ना भाई 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 अल्ले ले ए मामो बात की खाल और बाल की खाल निकालना अपनी हिंदुस्तानी का स्वभाव है क्या है ना सर्किट तू अपनी सलाह मान ले लाइफ में तीन ही चीजें डरने का माँ बाप बीवी और बॉस समझा क्या बाकी सब गया खड्डे में क्या बोलता है सर्किट तभी तो अपनी लाइफ की स्टोरी पे वो बायोपिक बनाएगा हीरानी वहीनी हीरानी का इशारा ऐसे कैसे ए निर्मिति ये रानी का इशारा था समझी क्या तू नहीं समझी तो अटक ले बेन तू अटक ले हमें।